तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अमेजोन का ब्रांडिंग किया हुआ है, लेकिन मैंने इसे अमेजोन की तरफ से नहीं खरीदा था। मैं पहले ही अमेजोन की तरफ से एक प्रोडक्ट को खरीदा था, मैं इसे एक होलसेलर के पास से खरीदा है। वो जो होलसेलर है वो अमेजोन पे भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, इसीलिए यहाँ पे आपको अमेजोन की ब्रांडिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने इसे अमेजोन की तरफ से नहीं खरीदा है, मैं डायरेक्ट होलसेलर के पास कॉन्टैक्ट किया था। कॉन्टैक्ट करने के बाद उनके पास मैंने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बारकोड भी दिया हुआ है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि सच में बोया भाई एम1 माइक है या फिर नहीं। और यहाँ पे इस तरह से एक नोट मिलता है जहाँ पे फेक बोया माइक को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वगैरह वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसे भी साइड में रखते हैं। और उसके बाद आपकी जो फाइनली बोया बाई एम1 माइक है वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये ओरिजिनल है कि फेक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, बोया बाई एम1 माइक की जो गेटअप है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे बोया बाई एम1 माइक की जो फीचर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, किस तरह से यूज कर सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा ऐसे बोया बाई एम1 माइक के रिलेटेड वीडियो देख चुके होंगे। बस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो बोया बाई एम1 माइक है ये ओरिजिनल है कि फेक है। ये पता करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रैच कोडिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो करना है, आपको ये इस तरह से स्क्रैच कर लेना है। जैसे स्क्रैच करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नंबर है। इस नंबर से आप बोया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो क्यूआर कोड है इसे भी स्कैन करके आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसे स्कैन करके देखते हैं, उसके बाद इसे ओपन करते हैं। आप चाहो तो प्ले स्टोर के अंदर से कोई एक क्यूआर कोड स्कैनर्स कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके यहाँ पे जो क्यूआर कोड है इसे स्कैन करके भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप बोया बाई एम1 माइक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पे जाके बोया लिख के सर्च करना है, और यहाँ पे आपको बोया की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाना है। ऐड से प्रमोट किया हुआ बोया बाई एम1 माइक की जो वेबसाइट है उसके अंदर नहीं। आप स्क्रीन के ऊपर बोया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसे यहाँ पे देख पा रहे हो। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सपोर्ट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी कोड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाता है। अभी आपको यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है जिसे आपने स्क्रैच करके निकाला था। आपकी बोया बाई एम1 माइक के अंदर जो सोलर डिजिट का कोड नंबर है उसे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे इंक्वायरी के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे वो सोलर डिजिट का नंबर और इसके साथ साथ यहाँ पे क्यूआर कोड भी आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर ये रियल प्रोडक्ट होगा तो, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फेक होगा तो आपको यहाँ पे साफ साफ बोल दिया जाएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो फेक है। ऐसे में पहले ही अमेजोन के ऊपर से फेक प्रोडक्ट को भी खरीदा था, जिसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाल के रखा है। आप चाहो तो वो वीडियो को भी देख सकते हो, फेक प्रोडक्ट किस तरह से देखते हैं। आप चाहो तो वो वीडियो को भी देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आईबटन पे डिस्क्रिप्शन पे और इस वीडियो की लास्ट पे पिन कर दूंगा। उसके बाद जैसे आप इस बॉक्स को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पाउच निकलेगा, और इस पाउच के अंदर आपकी जो बोया बाई एम1 माइक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको इस तरह से क्लिप, एक बैटरी, एक जैक और एक फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे आपकी जो बोया बाई एम1 माइक है उसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो करना है, अगर आप अपनी बोया बाई एम1 माइक को अपनी मोबाइल के साथ कनेक्ट करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस बोया बाई एम1 माइक को अपने कैमरा के साथ हो या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ हो कनेक्ट करके वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको बैटरी को सेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा सेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो करना है, यहाँ पे जो स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज को आपको यहाँ पे जो माइक दिखाई दे रहा है आपको इस माइक के ऊपर सेट कर लेना है। पहले टाइम पे ये थोड़ा सा टाइट रहता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करके आपको स्पॉन्ज को यहाँ पे सही से सेट कर लेना है। और यहाँ पे ये जो क्लिप है, इस क्लिप को आपको स्पॉन्ज के नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको इस क्लिप को यहाँ पे सही से फिट कर लेना है। और साथ में यहाँ पे ये जो जैक मिलता है, अगर आप किसी दूसरे डिवाइस के अंदर आप इस माइक को यूज करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस सिचुएशन पे आप इस जैक को यूज कर सकते हो।
और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप अपनी वॉइस को अपनी कैमरा के अंदर हो या फिर अपनी कंप्यूटर पर लैपटॉप अंदर से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे आपकी जो बैटरी है उसे यहाँ पे सेट करना है। आपको यहाँ पे जो रेगुलेटर मिलता है आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको ये जो बैटरी है इसे सही से फिट कर लेना है। अगर आप अपने वॉइस को मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो स्विच है इसे आपको स्मार्टफोन की तरफ करके रखना है। अगर आप अपने वॉइस को कंप्यूटर लैपटॉप या फिर कैमरा के अंदर से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उस सिचुएशन पे आपको इस स्विच को कैमरा की तरफ कर देना है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। इसके अलावा भी आप अपनी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो बोया भाई एमन माइक की मदद लेकर, तो उसके लिए आपको आपकी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर कुछ सेटिंग को करना पड़ता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है आपकी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर बोया भाई एमन माइक को सेट करने के लिए, तो इसके ऊपर भी मैं पहले से एक वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर डाल के रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे और इस वीडियो की लास्ट पे पिन कर दूंगा। और आपकी मन में इस टॉपिक के ऊपर कोई भी ऐसा सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। 24 आवर के अंदर आपके सवाल की जवाब आपको मिल जाएगा। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप आने वाला टाइम पे और भी नए वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में यूए घंटी को दबा के ऑल बटन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल तक चल जाए। तो चलिए मिलते हैं आप सके इसी भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।